जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहज़ाद ASA टीवी के साथ आपका अपना दोस्त फ़ज़ल अब्बास आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन हमारे साथ चांद रात है, हमारे साथ मौजूद है मैडम जो कि स्पेशली शी हैज़ कम फ्रॉम सरगोधा। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, सबसे पहले बताएं कैसे मैम? लोग जो हैं यूके, USA, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन कंट्रीज से ईद सेलिब्रेट करने आते हैं पाकिस्तान, और आप लोग जुबान पर भी बैठे हैं सरगोधा को छोड़। खान साहब जो हमारी इंशाल्लाह हमारी जान उनके लिए हाजिर है, लोग अब सुकून मतलब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन हमें चैन नहीं है क्योंकि जो कुछ ये लोग इन्होंने किया है, जैसे आपको पता है इन्होंने रशीद शरीफ के साथ किया, जिले हुमा के साथ किया, क्योंकि हम वो दोबारा ये चीज दिखाना नहीं चाहते, इसलिए हम उनके जिले शाह के साथ इंशाल्लाह वो लोग जो कुछ कर लें, लेकिन उनका इतना वो बाल बीगा नहीं हो सकता। खान साहब जब अल्लाह की जात किसी के साथ अल्लाह की ताकत होती है, इंशाल्लाह हमारे खान साहब के साथ अल्लाह की ताकत है, अल्लाह के बाद और हम अवाम, आप हमारी अवाम को शऊर आ गए, अवाम हमारे अपने लिए नहीं बच्चों के लिए। तो आप जो है ईद जो है वो इधर दुमान पार्क में सेलिब्रेट करें? जी जी हम इधर करें इंशाल्लाह, हम सरगोधा से हैं, मेरे शोर है वो भी यही पे है, साथवा मान माशा। अच्छा मैम आप क्योंकि इमरान खान सब कुछ होता है कपड़े कपड़े आप नहीं हम लोग हमें कुछ भी नहीं मिला, हम इन चीजों के लिए नहीं आते, हम अंदर वैसे खुशी से मतलब नहीं नहीं हम इन चीजों ही हम बल्कि अगर मिले भी तो हम आगे दे सकते कोई जिस चीज का इसका हकदार हम उसको यहाँ पे बांट के मिल के। अच्छा जी जो इमरान खान साहब ने जो है लिस्टें अभी जारी हुई हैं, टिकटें जो हैं जी जी दी जा रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? जो टिकटें खान साहब ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं खुद इनको लेके, तो ये जो टिकटें हैं सही मतलब जस्टिफाई आप करती हैं कि ये सही डिस्ट्रीब्यूट? ये एक मैं एक बात आपको बता दूँ, कुछ लोगों को सही मिली है, कुछ लोग जो हकदार थे जिन्होंने जंग की उन लोगों को उन लोगों यहाँ पे आवाम जो है जो भी ये कहती है कि खान साहब जिस मर्जी को टिकट दे हम उनको सपोर्ट नहीं सपोर्ट तो हम करेंगे, लेकिन ये है कि हमें कोई लालच नहीं है, हमें ना टिकटों का लालच है ना किसी इंसानियत का लालच, क्योंकि हमें पता है हमारी आने वाली नस्ल कैंप जो आने वाली नस्लें हमारी इंशाल्लाह उनके लिए अच्छा होगा, हम अपनी नस्लों के लिए हमें इन्होंने एक शऊर दिया, हम पहले गुलामी की गुलामी की। अच्छा मैम देखिए एक तरफ मरियम नवाज साहिबा बराबर वो MM लीडर जो खूबसूरत लीडर जो पिछले 35-40 साल से इकतदार में आते जाते रहे हैं उनकी पार्टी, आप लोगों ने उनको छोड़ दिया और इमरान खान को बना लिया, हम इसे 2.5 साल हुकूमत मिली वो कहते हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया खान, बेड़ा गर्क इमरान खान ने नहीं 30 साल के मीडियम कहती है ना ये इमरान खान ने। आज ही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि मतलब इसको ना अहल करें, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस को चाहिए ना अहल करें इमरान खान को, लेकिन इन्होंने तो सियासत का मेंबर बना दिया इमरान खान को, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं यही कहूंगी कि इन्होंने खाया इन लोगों ने इमरान खान ने, बल्कि लोगों को शऊर भी खाया है, बल्कि सब सब मिले जुले, लेकिन अब हमें इतना शऊर आ चुका है कौन हक है कौन सब है, और हम इंशाल्लाह सच का साथ देंगे, हम गुलामी की जिद नहीं। बहुत शुक्रिया नादिर, हमारे साथ मैम मौजूद थी जो स्पेशली सपोर्टर से आई थी, आप देख रहे थे आपका अपना शहज़ाद ASA TV, और इसी तरह इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ करते रहा करें, इससे शहज़ाद भाई को बड़ा कहने के इंकरेजमेंट मिलती है, और इसी तरह देखते रहे शहज़ाद ASA TV को, फजल अब्बास को दीजिए इजाज़त, अल्लाह दीजिए।